फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर्ड, 0.81 को हम लिख सकते हैं 0.9 स्क्वायर्ड। सो देयरफॉर 9 इंटू 0.81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.9 का स्क्वायर। सिमिलरली 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर्ड, 0.64 को 0.8 का स्क्वायर, एंड इसी तरह से हम इसको भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.9 प्लस 2 इंटू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर अगेन ये हो गया है 3 इंटू 0.9 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 इंटू 0.9 इंटू 2 इंटू 0.8। सो बेसिकली ये a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है उसका हम इस्तेमाल अगर करें तो डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा a दैट इज 3 इंटू 0.9 माइनस b दैट इज 2 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो न्यूमरेटर में थोड़ा सा हम बदलाव कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी दैट इज 3 इंटू 0.9 प्लस 2 इंटू 0.8। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 0.9 और 2 इंटू 0.8 माइनस के साइन के साथ में है और यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर ये एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर पे तो बचेगा 1 और डिनोमिनेटर पे 3 इंटू 0.9 दैट इज 2.7 और 2 इंटू 0.8 दैट इज 1.6। सो 1 अपॉन 1.1, इसे हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 11, ये वैल्यू होती है 0.909090 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारा आंसर हर हालत में 0.9 से बड़ा है और 1 से छोटा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो हमें मालूम होनी चाहिए, ए रेस टू द पावर 4 प्लस बी रेस टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम इस टर्म को यहां डिनोमिनेटर पे ले आए तो हमारे पास में ये वैल्यू बचेगी। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू अगर हम 1.4 लें, 5 लें, b की वैल्यू 1.2 लें, और ये 3.24 इज नथिंग बट 1.5 इंटू 1.2 का स्क्वायर, क्योंकि 1.5 इंटू 1.2 होता है 1.8 और 1.8 का स्क्वायर 3.24। तो हमारा ये जो न्यूमरेटर है इस एक्सप्रेशन में वो इसके इक्वल है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इसके इक्वल है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी, that is 1.5 squared plus 1.2 squared plus 1.5 into 1.2 that is 1.8। further solve करते हैं, ये हो गया है 2.25 plus 1.44 plus 1.8, हमारा आंसर आएगा 5.49। सेकेंड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमें कोशिश करनी होगी कि जो अंदर हमारी टर्म्स गिवन है स्क्वायर रूट में उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। 1 इक्वल होता है 1/4 एंड 3/4 के। इसको अगर हम स्क्वायर की टर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू रूट 3 अपॉन
टू, क्योंकि सॉल्व करने पर टू कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू बचेगा जो ये रहा। तो ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर। और अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर यहां से हटा सकते हैं। सेकेंड पार्ट पर अगर हम फोकस करें तो यहां पर हमारा आंसर आएगा रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, और इसका स्क्वायर हमने लिया है और अगर अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस, रूट थ्री बाई टू से रूट थ्री बाई टू हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिक्वेंसेज इन सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म्स का ऑफ द गिवन सीरीज। टू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं थ्री माइनस वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिक्स माइनस वन स्क्वायर, एट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं नाइन माइनस वन स्क्वायर एंड सो अप टू 20 टर्म्स तक हमें जाना है। इसे अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री इंटू वन। ऐसे ही अगर हम सेकेंड टर्म पे बात करें तो ये हो जाएगा सिक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू सिक्स इंटू वन। नेक्स्ट हो जाएगा नाइन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू नाइन इंटू वन एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। अगर हम इन सबको ऐड कर दें यहां पर तो क्या होगा, सभी में हम 3 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आएगा 3 स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, बिकॉज हमें 20 टर्म्स तक का सम निकालना है, प्लस 1 स्क्वायर 20 टाइम्स आ रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी 20, माइनस यहां पर अगेन हम 2 इंटू 3 अगर 6 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, यहां पर हमें इसका फॉर्मूला मालूम है, अगर सिग्मा एन स्क्वायर हमें निकालना हो तो इसका आंसर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई सिक्स। तो अगर हम एन की जगह 20 इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमें सम मिल जाएगा, थ्री स्क्वायर हो गया है नाइन एन, सो वी कैन राइट डाउन 20, 21, 40 प्लस वन 41 डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस 20 माइनस सिक्स इंटू वन से लेके 20 तक का सम हमें मालूम है, ये होता है 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई टू। एक काम कर सकते हैं, 20 हर एक टर्म में आ रहा है, हम 20 तो यहां कॉमन ले लें, तो जब 20 हम यहां कॉमन ले लेंगे तो यहां से 20 हम हटा सकते हैं, यहां से ये 20 की जगह ये 1 हो जाएगा और यहां पर ये 20 हम रिमूव कर सकते हैं। 2 goes into 6 3 times, कैलकुलेशन में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, 3 2 times, 3 7 times, so यहां हो गया है 9 into 7 63 into 41 upon 2 plus 1 minus 63। अगेन हम इन दोनों की अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम 2 LCM ले लें और डिवाइड करें तो यहां पर तो बाहर हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू, अंदर बचेगा 63 इंटू 41 प्लस 2 माइनस 63 इंटू 2। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना इन दोनों टर्म में हम 63 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 63 इंटू 39 प्लस 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 9 इंटू 3 ये हो गया है 27, तो यूनिट डिजिट हो गई 7,
टू ऐड किया तो यूनिट डिजिट हो गई 9। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट तो 0 हो जाएगी पर हमारी टेस्ट डिजिट 9 हो जाएगी। इतने ऑप्शन में सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी टेस्ट डिजिट 9 है, यही हमारा आंसर होगा। हम चाहे तो अदरवाइज इसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ वेसल कंटेन्ड अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर वॉज 64%। तो अगर वाटर 64% है तो हम कहेंगे एसिड होगा 36%। 4 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन वर टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्ड 30% एसिड, देन द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इन द बिगिनिंग इन द वेसल वाज। अलग अलग तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए, पर आप डायरेक्टली एक शॉर्टकट भी यहां पर यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में ये एक वेसल है, इसमें एसिड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका रेशियो अगर हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा 18:32 या 9:16। तो सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। टोटल क्वांटिटी हम x लीटर्स अज्यूम कर लेते हैं। स्टेप वन में हमने क्या किया है, 4 लीटर सॉल्यूशन रिमूव किया है और हमने बदले में 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। फाइनली एसिड 30% हो गया है, दैट मींस वाटर हो गया है 70%। जनरली हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, अंदर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो रेशियो में हम वाटर नहीं लेते, हम क्या करेंगे एसिड अपॉन टोटल का रेशियो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9/25। आप डायरेक्टली इसको 36/100 भी लिख सकते थे बिकॉज ये 36% था, टोटल 100 हो गया है मल्टीप्लाई। नाउ यहां पर एक स्टेप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने 4 लीटर सॉल्यूशन रिमूव किया है आउट ऑफ x लीटर्स। फ्रैक्शन वाइज हम कहेंगे 4/x पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हैज बीन रिमूव। तो लॉजिक ये कहता है क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, हर एक चीज इस फ्रैक्शन से कम हो जाएगी। एसिड 4/x कम हो जाएगा तो एसिड बचेगा कितना, बिकॉज वाटर वापस तो हम वाटर ऐड कर रहे हैं, हम कहेंगे 1-4/x। तो न्यूमरेटर पे हम 1-4/x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताएगा जितना एसिड बचा है उतना। व्हाट हैपेंस टू टोटल, क्योंकि 4 लीटर सॉल्यूशन गया है और 4 लीटर वाटर अंदर आया है, टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पर हमारा एसिड और टोटल का फाइनल रेशियो आ जाएगा 30/100 या 3/10। इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स 5 5 टाइम्स, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5। एंड यहाँ पे जो 2 था इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो 6x-24 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 24। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Alternatively, हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में जो शुरुआत में सॉल्यूशन है उसमें वाटर है 64%, तो वाटर है 64%। नाउ सॉल्यूशन में से हमने कुछ सॉल्यूशन बाहर निकाला तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसमें भी वाटर 64% ही होगा, क्योंकि रिमूव करने से सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ नहीं बदलती है। लेट अस अज्यूम टोटल क्वांटिटी थी x लीटर्स, हमने 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला, तो अब हमारे पास ये जो x माइनस 4 लीटर सॉल्यूशन बचा है उसमें वाटर की स्ट्रेंथ है 64%। हमने इसमें वाटर ऐड किया है कितना, 4 लीटर। तो अगर हम वाटर की स्ट्रेंथ की ही बात कर रहे हैं तो यहां वाटर की स्ट्रेंथ क्या होगी, 100%। दोनों को मिक्स करने पर क्या हुआ, हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें एसिड 30% हो गया है तो वाटर कितना होगा, 70%। एलिगेशन का रूल कहता है अगर आपने यहां वाटर की स्ट्रेंथ ली है तो यहां और यहां पर भी वाटर की स्ट्रेंथ लेनी होगी। अगर ये वैल्यू परसेंटेज में है तो ये दोनों भी परसेंटेज में होना चाहिए और ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। अपोजिट साइड में हम इनका डिफरेंस लिख देते हैं, 100-70 ये हो गया है 30 और 70-64 ये हो गया है 6। ये रेशियो हमारी
क्वांटिटी कहा गया है. सो एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6, या इसको हम कहेंगे 5:1. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x माइनस फोर इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 24. तो कई मेथड्स अवेलेबल है. फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल जनरली हम तब करते हैं जब यहां पर एक से भी ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं, तब हम उस मेथड को यूज करते हैं, वरना हम एलिगेशन कर सकते हैं. आप कोई वैल्यू अज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक स्टैंडर्ड लेवल का इजी क्वेश्चन है. अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. इफ ही हैड बॉट इट फॉर 25% लेस एंड सोल्ड फॉर ₹20 मोर देन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ही वुड हैव गेन्ड 60%. पूरी जानकारी हमें परसेंटेज में गिवन है, सिर्फ ये वैल्यू हमें रुपीज में गिवन है. व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. एक काम कर सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं 100x. 10% प्रॉफिट पे सेल करने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इनिशियली है 110x. इफ ही हैड बॉट इट फॉर 25% लेस, दैट मींस न्यू कॉस्ट प्राइस ओल्ड कॉस्ट प्राइस से 25% कम है, एंड सोल्ड फॉर ₹20 मोर ओवर द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और न्यू सेलिंग प्राइस ओल्ड सेलिंग प्राइस से ₹20 ज्यादा है, ही वुड हैव गेन्ड 60%. ये हमारी जो न्यू सेलिंग प्राइस है, ये हमारी न्यू कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है. तो अगर हम न्यू कॉस्ट प्राइस को 60% इंक्रीज कर दें, तो हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी. इंक्रीज डिक्रीज करना तो आसान है, आप जिसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं उसे 100 माने, और जितना इंक्रीज और डिक्रीज करना है उतना परसेंट एड या सब्ट्रैक्ट कर दें. 25 times, 28 times, 5 15 times, 15 × 8 120x, 110x लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा. तो 10x इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100x हमसे पूछा गया है, x की वैल्यू 2 है, तो 100x हो जाएगा 200. थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है. अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट सच ए प्राइस that after giving a discount of 12.5% on the mark price, he still earns a profit of 15%. Let us say, mark price ko hum represent kar rahe hain M se. 12.5% ko fraction mein hum kehte hain 1 upon 8. To 12.5% ka discount dein ya 1/8 price reduce kar dein, baat ek hi hai. To 1/8 reduce karne par hamari price aayegi M into 7 upon 8. Ye hamari ho gayi hai selling price. Kitna profit hua hai hame? 15% का. तो सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस, लेट अस से उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे 15% ज्यादा है, दैट इज 115% हमारी ये वैल्यू. कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें गिवन है ₹385. तो कॉस्ट प्राइस की जगह हम लिख सकते हैं 385. हमें मार्क प्राइस निकालनी है, 115% को लिखेंगे 115 upon 100. ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां आ जाएगा और 7 यहां पर आ जाएगा. एम की वैल्यू ही हमें निकालनी है. 7 5 टाइम्स 35, अगेन 3 लेफ्ट 7 5 टाइम्स, 5 11 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, 5 23 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 4 गोज इनटू 8 2 टाइम्स, 23 इनटू 2 46, 46 इनटू 11 is equal to 506. Second option हमारा answer होगा. Next question, ये question ratio and proportion पर based एक easy level का question है. The ratio of the incomes of A and B in 2019 was 5:4. तो दो persons है A B. इनकी income हम मान लेते हैं 5x और B की income हम मान लेते हैं 4x. ये हो गई है 2019 में. Their individual incomes in 2019 and 20, उसका जो रेशियो है वो हमें 4:5 एंड 2:3 respectively given है. That means, अगर हम यहां से यहां मूव करें तो ये रेशियो हो जाएगा 4:5, और यहां से यहां मूव करें तो ये रेशियो हो जाएगा 2:3. क्या हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं? That means, अगर पुरानी वैल्यू 4 है तो न्यू वैल्यू 5 होगी, ओल्ड वैल्यू 1 हो गई तो न्यू वैल्यू
5 अपॉन 4 हो जाएगी एंड ओल्ड वैल्यू 5x है तो न्यू वैल्यू 5 अपॉन 4 इंटू 5x हो जाएगी। सिंपल यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है। सिमिलरली यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 3 बाई 2 इंटू 4x, ये हमारा नया रेशियो आएगा। सो 2 गोज इंटू 4 टू टाइम्स, 5 इंटू 5 ये हो गया है 25x इज टू 24x। दैट मीन्स इनकी जो रेशियो होगा 2020 में इनकम का वो होगा 25:24। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज रुपीज 705600, देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2020? बी की इनकम आसानी से निकाल सकते हैं, 24 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाई 705600। ठीक है, 7 टाइम्स 100800, 7144 टाइम्स 00। नाउ अगेन यहां पर हमें ध्यान रखना है लास्ट में दो जीरो आएंगे, राइट? तो जहां पर दो से ज्यादा जीरो आ रहे हैं आप उन्हें हटा दें, और 4 इंटू 4 करने पर 16 आएगा, यानी हमारी हंड्रेड्स डिजिट 6 होनी चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन भी हम हटा देंगे, फोर्थ ऑप्शन आंसर मार्क कर देंगे, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहां पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ लोन ऑफ रुपीज 102,000 इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। टोटल इंटरेस्ट चार्ज हमें पता करना। इस तरह के क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, बड़ी स्टैंडर्ड अप्रोच होगी। 102,000 ये तो लोन था, हमें इसे दो बार इंक्रीज करना होगा बाय 4% ताकि हम आफ्टर टू इयर्स इसका अमाउंट पता कर सकें। वो अप्रोच होगी 104% टू द पावर 2। फ्रैक्शन में 104% को हम लिखेंगे 104 अपॉन 100 या 26 अपॉन 25। तो यहां पर हम 104% की जगह लिख सकते हैं 26 अपॉन 25 का स्क्वायर। ये पैसा दो इंस्टॉलमेंट में दिया गया है। लेट अस से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एक्स रुपीज, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर वन ईयर दी गई है, तो उस इंस्टॉलमेंट की उससे भी एक साल बाद में वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना होगा। सेम अप्रोच, हम यहां पर इसे 4% इंक्रीज कर देंगे। और फाइनल इंस्टॉलमेंट एक्स रुपीज आफ्टर टू ईयर दी गई है, जब इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा तभी लोन रीपे माना जाएगा। कंसेप्ट मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में समझा चुका हूं, बट आप इसको इस तरह से समझें कि यहां पर हमने एक्स रुपीज लिया है, यहां पर एक्स रुपीज इंस्टॉलमेंट लौट आई है, और ये प्रिंसिपल है। तो हम कोशिश क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रिंसिपल की यहां पर अमाउंट निकालते हैं, ये हमने यहां किया है। ऐसे ही ये जो इंस्टॉलमेंट हमने दी है इसकी यहां पर अमाउंट निकालते हैं, ये हमने निकाला है, और ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो एक्स है ही। जब इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा तभी ये लोन रीपे माना जाएगा। अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है, 102,000 मल्टीप्लाइड बाई 26 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 26 अपॉन 25, दिस इज इक्वल टू x कॉमन ले ली तो बचेगा 26 अपॉन 25 प्लस 1, और वी कैन से 51 अपॉन 25। एक 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, 51 टू टाइम्स, तो यहां पर बचेगा 2000। 25 8 टाइम्स, 26 इंटू 26 ये हो गया है 676, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 80 से, तो हमारे पास में x आ जाएगा। x की वैल्यू होगी हमारी 08045, 54080। टोटल इंस्टॉलमेंट हमने कितनी पे की है, इस वैल्यू का डबल, That is 108160. टोटल लोन था 102,000. तो अगर हम टोटल इंस्टॉलमेंट में से लोन सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। थर्ड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्रॉसिंग टाइम ऑफ ट्रेन्स पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A train traveling at a speed of 72 km per hour crosses another train having double its length and traveling in the opposite direction at a speed of 54 km per hour.
in 12 seconds. It also passes a tunnel in 40 seconds. What is the length in meter of the tunnel? Crossing time का basic formula हमें मालूम होना चाहिए. ये होता है L1 plus L2 divided by relative speed. L1 और L2 represent कर रहे हैं length को उन objects की जिनका crossing time हमें पूछा गया है या हमें दिया गया है. और VR represent कर रहा है relative speed को. जब दो ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम हायर स्पीड माइनस लोअर स्पीड करते हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उनकी स्पीड्स को ऐड करते हैं. यहां पर हमारे पास दो ट्रेन्स हैं. लेट अस से ट्रेन 1 को हमने नाम दे दिया है T1, ये है T2, और एक टनल है उसको हमने नाम दे दिया है लेट अस से T. ट्रेन 1 की जो लेंथ है उसके बारे में कोई जानकारी दी गई है कि ट्रेन 1 की लेंथ ट्रेन 2 की लेंथ की हाफ है. लेट अस से इस लेंथ को हमने मान लिया है x मीटर्स, तो ये लेंथ हो जाएगी 2x मीटर्स. टनल की लेंथ हमें नहीं मालूम है, हमने उसको अज्यूम कर लिया है y मीटर, हमें y की वैल्यू ही निकालनी. ट्रेन की स्पीड जो है वो गिवन है हमें 72 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर. पर ये दोनों ही ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. टनल की तो कोई स्पीड नहीं होगी, इसे आप जीरो लिखते हैं. ट्रेन 1 ट्रेन 2 को क्रॉस कर रही है कितनी देर में? 12 सेकंड्स में. लेकिन यही ट्रेन इस टनल को क्रॉस कर रही है 40 सेकंड्स में. हमें वाई की वैल्यू निकालनी है. इस इक्वेशन को अगर हम ये फॉर्मूला जो हमने यहां पे यूज किया है इसे अप्लाई कर दें तो क्रॉसिंग टाइम ट्रेन 1 की लेंथ x, टनल की लेंथ y अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सिर्फ ट्रेन 1 मूव कर रही है उसकी स्पीड रिलेटिव स्पीड ही होगी. इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 72 into 5 अपॉन 18, ये हो गया है 20. तो यहां से हमारे पास x plus y की वैल्यू आ गई है 800. सेकंड कंडीशन, 12 सेकंड्स में हमारी फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन को क्रॉस कर रही है. सम ऑफ लेंथ हो गया है 3x, रिलेटिव स्पीड क्योंकि दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, रिलेटिव स्पीड के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 126. इसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में. 18 7 टाइम्स 7 into 5 35, 3 goes into 12 4 टाइम्स, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 140 मीटर्स. y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 660 मीटर्स. थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा.